बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इजी वर्ल्ड इन्फो। फ्रेंड्स, हमेशा की तरह सबसे पहले जिन भाइयों ने मेरे इजी वर्ल्ड इन्फो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो, हर अपडेट आपको बआसानी से मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, यूएई विजिट वीज़ा, जो गोल्डन विजिट वीज़ा है, उसके हवाले से है। यूएई गवर्नमेंट ने एक नई अपडेट जो है ना वो दी है, नई अनाउंसमेंट की है गोल्डन वीज़ा वालों के लिए। वो ये है कि दो जो है ना अपडेट हैं। पहली अपडेट ये है कि जो गोल्डन वीज़े की फ़ीस थी उसको बढ़ा दिया गया है 2 गुना। वो बढ़ा के 50 दिरहम से 150 दिरहम कर दी गई है। और इसके अलावा जो दूसरी खबर है वो ये है कि जो गोल्डन वीज़े वाले हजरात यूएई में मुकीम हैं, यूएई में रह रहे हैं, वो अपने वालदैन को स्पॉन्सर कर सकेंगे और वो भी 10 साल के लिए स्पॉन्सर कर सकेंगे। और उसको रहायशी तौर पे जो है ना 10 साल के स्पॉन्सर करके वहाँ पे अपने पास रख सकेंगे। लेकिन उसकी ये शरायत है, उसकी शरायत जो है वो ये है कि जो भी अपने वालदेन को 10 साल के लिए स्पॉन्सर कर रहा है अपने पास रखने के लिए, उनकी जो सैलरी है वो कम से कम 20,000 दिरहम होनी चाहिए। 20,000 दिरहम उनकी सैलरी होनी चाहिए। इसके अलावा जो गोल्डन वीज़ा वाले हैं उनको गोल्डन वीज़ा लेने के लिए इस जो है ना 20,000 सैलरी का कोई इशू नहीं है कि 20,000 सैलरी हो तो ही जो है ना गोल्डन वीज़ा मिलेगा। तो इसके बाद फ्रेंड्स, जैसा कि कुछ देर पहले की बात है कि यूएई ने रेजिडेंस और एमरस आईडी और इसके अलावा विज़िट 1 माह का जो विज़िट वीज़ा है उसमें भी जो है ना फीसों में इजाफा किया था। तकरीबन जो एमरस आईडी की 270 फीस थी उसकी 370 कर दी गई है। इसके अलावा विजिट वीज़े की भी 270 से 370 कर दी गई है। ऐसे ही गोल्डन वीज़ा की भी फीस जो है ना वो अपडेट कर दी गई है। तो फ्रेंड्स, ये थी एक छोटी सी अपडेट। आप देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल इजी वर्ल्ड इन्फो। मैं आपका भाई रईस अली आपके लिए लेके आता रहता हूँ हमेशा अच्छी से अच्छी अपडेट। तो मेरी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, कमेंट किया करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। आपको किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपके लिए जो है ना अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आता रहूँगा। तो मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।